नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। दिल्ली में हुए दंगों में पुलिस का नया दावा, हिंसा और प्रदर्शनों में थी ISI की भूमिका। पीएम मोदी आज शाम 6:30 UNGA को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का मुख्य जोर आतंक रोधी वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत किए जाने पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 85,362 नए मामले। ड्रग्स मामले में दीपिका और सारा अली खान से हुई पूछताछ, दीपिका की मैनेजर करिश्मा भी थी मौजूद। 22,100 करोड़ की टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, वोडाफोन को मिली जीत। दिल्ली में पुलिस ने 170 किलो गांजा बरामद कर 920 ग्राम बताया, बाकी को बेचकर लाखों कमाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोरोना संक्रमित, दुमका दौरा हुआ स्थगित। उज्जैन में वैन के साथ हुई ट्रक की भिड़ंत, 5 मजदूरों की मौत, 7 लोग घायल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए 88 साल के। पीएम मोदी, राहुल गांधी और ममता ने पूर्व पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। झांसी कानपुर हाईवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 लोग घायल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की मांग, राज्य के संगीत को शास्त्रीय संगीत का मिले दर्जा। खंडवा में बीजेपी सांसद और उपचुनाव के प्रत्याशी का लोगों ने किया विरोध, कहा वोट मांगने मत आना। शिवराज और सिंधिया ने कांग्रेस को बताया कृषि विरोधी, कहा किसानों को गुमराह कर रही है पार्टी। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले शिवराज की जमीनी जमावट, एक ही दिन में करीब 300 अफसर बदले। MP उपचुनाव में M3 EVM से होगा मतदान, छेड़छाड़ करना होगा नामुमकिन। MP में प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म के नाम पर 40 करोड़ का घोटाला, विभाग ने बैठाई जांच। पाकिस्तान ने फिर किया युद्ध विराम का उल्लंघन, LOC पर गोलाबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। दिल्ली में नरेला की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की कड़ी परीक्षा, राम मंदिर शिलान्यास, कोरोना महामारी के बाद पहला मतदान। आज से ZMAX अभ्यास में जुटेंगी भारत और जापानी नौसेना, अरब सागर में दिखेगी ताकत। KEM अस्पताल में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का मानव परीक्षण, 3 लोगों पर होगा टेस्ट। गावस्कर का अनुष्का को जवाब, बोले कुछ गलत नहीं कहा, मेरी टिप्पणी विराट की प्रैक्टिस पर थी। पृथ्वी रबाड़ा के आगे चेन्नई चेत, दूसरी जीत के साथ दिल्ली शीर्ष पर। पहली जीत की तलाश में KKR और SRH, आज होगा आमना सामना।